हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज के इस वीडियो में हम दिसंबर 20th 2021 का डेली हिंदी एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम न्यूज़ दो तरीके से करेंगे। एक तो क्लैट के लिए जो इम्पोर्टेंट है, पहले मैं आपको वो बता दूंगा, साथ साथ में हम स्टैटिक जीके के से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, और कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। So I will like that you comment the answer in my comment box. So let's start. So some of the important news जो आज हम करने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा important news है, हम वहीं से start करेंगे। That is India Central Asian Dialogue. तो यहाँ पर the third India Central Asian Dialogue जो है वो हुआ था। So they have called for the broad regional consensus on Afghanistan. So यहाँ पे जो थर्ड इंडियन सेंट्रल एशियन डायलॉग जो हुआ था, इट वाज होस्टेड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर फॉर द फॉरेन मिनिस्टर्स। देखिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग में यहाँ पे दी हेड ऑफ द स्टेट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि फॉरेन मिनिस्टर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इट वॉज होस्टेड बाई इंडिया, और इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो एस जयशंकर हैं, और जो बाकी पार्टिसिपेंट्स थे दे वर द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ काजकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। यहाँ पे जैसा कि हमने दिल्ली सिक्योरिटी डायलॉग में देखा था कि विच कॉल्ड फॉर द इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन एड फॉर अफगानिस्तान, पास्ट में भी इंडिया ने अराउंड 50,000 टन्स ऑफ वीट बाय द रोड रूट अफगानिस्तान को भेजे हैं। सो दे हैव कॉल्ड फॉर द इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन एड फॉर अफगानिस्तान। उसके साथ साथ इफ़ यू विल जस्ट सी कि बात चल रही है कि दैट द गेस्ट एट द रिपब्लिक डे, मीन्स द रिपब्लिक डे इन 2022, यहाँ पे जो गेस्ट होंगे वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के हेड ऑफ द स्टेट्स होंगे। नाउ दिस डायलॉग इट कम्स अ मंथ आफ्टर द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल हैड होस्टेड द रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग वेयर द सिक्योरिटी रिलेटेड पीपल फ्रॉम दिस फाइव सेंट्रल एशियंस हैड पार्टिसिपेटेड। वहाँ पे चाइना एंड पाकिस्तान दे डिड नॉट पार्टिसिपेट। नाउ सी अगेन ओवर हियर, जो हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2593 रेजोल्यूशन जो पास हुआ था, उसके बाद जो दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग में जो एग्री हुआ था, वही चीज़ें यहाँ पे रिपीट हुई हैं। और क्योंकि रिपीट इसके लिए हुई हैं क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो दिस इंपॉर्टेंट चीज थिंग्स आर दैट फॉर्मेशन ऑफ ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव एंड इंक्लूसिव गवर्नमेंट। जैसा कि हम जानते हैं, हमने पहले भी किया हुआ है कि अफगानिस्तान में ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा हैं, अलग अलग ट्राइबल्स हैं, पर वहाँ पे जो तालिबान की जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इट इज़ डोमिनेटेड बाय पाश्तूंस। तो यहाँ पे वन ऑफ द मेजर कॉल इज दैट फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव एंड इंक्लूसिव गवर्नमेंट। क्योंकि देखिए, डेमोक्रेसी का पहला प्रिंसिपल यही होता है, दैट इज़ यू शुड इंक्लूड ईच एंड एवरी ग्रुप इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सेकेंड इज कम्बैटिंग द टेररिज्म एंड ड्रग ट्राफिकिंग। The next is central role of the United Nations, then providing immediate humanitarian assistance to the Afghanistan people. The next and very important is preserving the rights of women, children and other national ethnic groups. ठीक है, अब हमने ये पहले कर लिया है। India has sent a shipment of medical aid by air to Afghanistan earlier this month. Okay, and the bulk of its planned aid, that is 50,000 tons of wheat, is still being discussed with Pakistan, the External Affairs Ministry has said. Now यहाँ पे जो फाइव फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, दे ट्रेवल टू इंडिया, और जो इनके डेप्यूटीज थे, दे वर सेंड टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग हो रही थी। यहाँ पे भी ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान डिस्कस हो रहा था, और ये हम न्यूज़ जो है एक साथ कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो फर्स्ट वी विल गो टू पेज नंबर 8 टू कम्प्लीट दिस न्यूज़। So if you will just see over here, जितने भी कंट्री पार्टिसिपेट किए थे, none of them recognized तालिबान। Now इनमें से जो ताजिकिस्तान है, उसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है अगेंस्ट दी बायलैटरल कॉन्टैक्ट विद दी तालिबान ग्रुप। उसके बाद अगर हम दो कंट्रीज पर फोकस करें, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, मैं आपको एक बात बता दूँ कि सेंट्रल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ईरान अभी रिसेंट मेम्बर बना है, उसमें चाइना, रशिया, इंडिया के साथ साथ देर आर फोर सेंट्रल एशियन कंट्रीज,
कौन सा सेंट्रल एशियन कंट्री नहीं है SEO का पार्ट, प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। देन ऑल्सो राइट दैट वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड वॉट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द ग्रुप। सो सी द तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान दे हैव रीओपन देयर मिशन इन काबुल। ओके नाउ इंडिया हैज़ मेट तालिबान लीडर्स पब्लिकली ओनली ट्वाइस इन दोहा एंड इन मॉस्को। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने 4C की बात की है। एग्जाम में देखिए 4 C's कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ 4 C's और नॉट द पार्ट ऑफ 4 C's एनाउंसिएटेड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। सो सी इट इज 4 C इज कॉमर्स, कैपेसिटी एनहांसमेंट, कनेक्टिविटी एंड कॉन्टैक्ट। ये हम किससे बात कर रहे हैं, ये अफगानिस्तान से रिलेटेड बात नहीं हो रही है, ये इंडिया सेंट्रल एशिया की बात हो रही है। नाउ सी द इंडियन सेंट्रल एशियन ट्रेड इट करंटली इट इज़ लेस देन $2 billion एंड मोस्ट ऑफ विच इज़ कजाक ऑयल एक्सपोर्ट टू इंडिया। तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इंडिया और सेंट्रल एशिया में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लैंड रूट्स में अगर हम सेंट्रल एशिया और इंडिया को कनेक्ट करने की कोशिश करें तो बीच में पाकिस्तान आ जाता है। इस पाकिस्तान को ओवरकम करने के लिए इंडिया ने छाबार पोर्ट डेवलप किया है, ठीक है। एंड इफ़ यू विल सी दैट छाबार पोर्ट बाईपास द पाकिस्तान एंड इट कैन बी यूज फॉर इम्प्रूविंग द कनेक्टिविटी विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज थ्रू रोड एंड रेलवे थ्रू ईरान एज वेल एज दैट इज एक कॉरिडोर की बात हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर विच गोज वाया द ईरानियन पोर्ट ऑफ बंदर अब्बास। बंदर अब्बास हमने तब भी किया था जब हम ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में पढ़ रहे थे। ओके नाउ सी देर इज अ शाहिद बेहस्ती टर्मिनल एट द छाबार पोर्ट विच कैन बी यूटिलाइज बाई द सेंट्रल एशियन कंट्रीज टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी विद इंडिया। Now the next is OIC countries organization for organization of Islamic cooperation, इसका जो हेडक्वार्टर है वो सऊदी अरेबिया में है, जद्दा में है। ओके सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन दे मेट इन इस्लामाबाद एंड दे हैव प्रॉमिस टू सेटअप अ फंड टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड थ्रू द इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। ओके नाउ ये जो फंड होगा इट विल कवर द कंट्रीज इट विल कवर टू डोनेट विदाउट डीलिंग डायरेक्टली विद द कंट्रीज तालिबान रूलर्स। नाउ एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये मीटिंग का, दैट दिस मीटिंग ब्रॉट टुगेदर चाइना, US एंड रशिया ऑन द इशू ऑफ अफगानिस्तान। नाउ द नेक्स्ट इज एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, यहाँ तक कि UPSC के भी कुछ कुछ एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहते हैं कि रूट ब्रिज एट माओलियांग इज इन विच स्टेट। ओके तो हम देखेंगे कि ये जो ब्रिज होता है इट इज़ डेवलप्ड बाई खासी विलेजर्स, ओके बाई वीविंग द रूट्स ऑफ फिकस ट्री, ये मेघालय में पाया जाता है। ये स्टैटिक जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नेक्स्ट इज द श्रीलंका अरेस्ट 555 इंडियन फिशरमैन बिकॉज दे वेर डूइंग इलीगल फिशिंग इन द कंट्रीज टेरिटोरियल वाटर्स। तो किसी भी कंट्री का जो टेरिटोरियल वाटर होता है दैट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द UNCLOS 1982। UNCLOS का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी 1982। वॉट इज द लिमिट ऑफ दिस टेरिटोरियल वाटर एज डिसाइडेड बाई UNCLOS, प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। नाउ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, कभी कभी इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। पन्ना टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, ठीक है, वहाँ पे इंडियन डेजर्ट कैट जो है उसको स्पॉट किया गया है, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ़ यू विल जस्ट सी दैट द प्रेजेंस ऑफ द वाइल्ड कैट इट वाज नॉट रिपोर्टेड इन द PTR रिकॉर्ड अर्लियर, फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज़ बीन रिपोर्टेड। ओके नाउ अगर हम देखेंगे कि जो इंडियन डेजर्ट कैट है उसकी स्पेशलिटी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ फाउंड इन डेजर्ट्स एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। फिर जो इनके जो टोज होते हैं दे हैव अ कुशन लाइक हेयर which help in balancing the fluctuating desert temperature. So this is very important. The next is यहाँ पे एक द बार हेडेड गीज है। द बार हेडेड गीज होते हैं ये लोग माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं एंड ड्यूरिंग द विंटर दे कम इन इंडिया। बट क्योंकि इस बार साउथ इंडिया में बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, ओके तो इनकी जो माइग्रेशन है वो थोड़ी कम हो गई है, बिकॉज दे टेंड टू स्टूप ओवर इन द wetlands विच आर shallow wetlands होने चाहिए। दे प्रेफर shallow एंड stagnant water, बट बिकॉज ऑफ हैवी रेन ponds एंड lakes आर नॉट shallow इन द southern इंडिया। सो यहाँ पे बेयर हेडेड गीज की बात हो रही है विच फ्लाइज अक्रॉस द हिमालय फ्रॉम southern चाइना एंड मंगोलिया। अभी तक इस बर्ड ने विजिट नहीं किया है southern इंडिया, स्पेशली कर्नाटका। द नेक्स्ट इज मेंटल डिसेबिलिटी, सुप्रीम कोर्ट सेट्स असाइड डिसिप्लिनरी एक्शन। तो ये लीगल जीके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जजमेंट दिया है
इट इज़ गिवन बाय अ बेंच विच वॉज लेड बाई जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। तो इन्होंने एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है, इन्होंने कहा है कि अगर कोई पर्सन है वो मेंटल डिसेबिलिटी से गुजर रहा है तो कोई भी ऑफिस या कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन उसके अगेंस्ट नहीं लिया जा सकता, बिकॉज कोर्ट ने कहा है कि ऐसे पर्सन को प्रोटेक्शन मिलती है अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट्स। ओके एंड दैट्स वाई द डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट दैम कैनॉट बी टेकन। नाउ वाई, नाउ सी, द मेंटल डिसेबिलिटी इट अम्पेयर्स द एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू कंप्लाई विद वर्क प्लेस स्टैंडर्ड्स, ठीक है, एंड दिस पर्सन वो एक डिसप्रोपोर्शनेट एडवांटेज से सफ़र कर रहे होते हैं। ओके सो दैट्स वाई दे आर प्रोटेक्टेड अंडर दिस राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। साथ साथ में कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली बोली कि द अपेलेंट जो था जिसने ये कोर्ट में केस किया था, ही हैड अ हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन एंड ही वॉज कैटेगराइज विद अप टू 70% डिसेबिलिटी। द नेक्स्ट इज मिक्सड रिकॉर्ड फॉर एससीज एक्सपर्ट पैनल। अब ये जो आर्टिकल है इट इज़ टॉकिंग अबाउट द वेरियस सुप्रीम कोर्ट पैनल्स फॉर्म्ड बाई सुप्रीम कोर्ट टू लुक इन टू वेरियस इशूज लाइक पेगासस देन फार्म लॉज। ओके तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दिस इशू इज बिंग डिस्कस्ड बिकॉज रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द वेस्ट बंगाल्स कमीशन फॉर इंक्वायरी इन टू द पेगासस एलिगेशन। इट वॉज हेडेड बाई जस्टिस मदन बी लोकुर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ ये क्यों किया गया, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही एक एक्सपर्ट टेक्निकल कमिटी बनाया है विच इज़ ओवरसीन बाई फॉर्मर अपेक्स कोर्ट जज जस्टिस आर वी रविंद्रन। ओके नाउ अगर हम देखेंगे तो अक्टूबर 2020 में भी एक पैनल बना था टू लुक इन टू द स्टबल बर्निंग केस, बट उसके बाद सेंटर ने एक प्रोमोलगेट किया एक ऑर्डिनेंस दैट इज़ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया ऑर्डिनेंस 2020 टू लुक इन टू द स्टबल बर्निंग केस ऑफ उत्तर प्रदेश पंजाब एंड हरियाणा। उसके बाद फार्म लॉज पास हुए, फार्म लॉज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ तो जनवरी 2021 में 11 जनवरी 2021 में थ्री मेंबर्स पैनल बने टू लुक इनटू द फार्म लॉज। दे सबमिटेड देयर रिपोर्ट्स ऑन मार्च 19, 2021 जो अभी तक पब्लिक नहीं हुई है। इसके जो मेंबर्स थे वो थे अनिल घनवाट, प्रमोद जोशी एंड अशोक गुलाटी। पहले भूपिंदर सिंह मान भी इसके मेंबर थे बट बाद में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अभी तक ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई है। ओके देन देर वॉज जस्टिस वी एस सिरपुरकर कमीशन विच हैज़ रिपीटेडली सीकिंग एक्सटेंशन बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक टू कम्प्लीट इट्स प्रोब इन द एनकाउंटर ऑफ फोर पर्सन्स बाई द हैदराबाद पुलिस। द नेक्स्ट इज अबाउट द NDRF, SDRF। यहाँ पर NDRF का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और SDRF का स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ये दोनों ही फोर्स यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है एंड दे आर एस्टेब्लिश अंडर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। नाउ मैं कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरपर्सन कौन होता है और स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन कौन होता है। द नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूट विल बी सेटअप नेशनल यूनिवर्सिटी इन डिफरेंट एरियाज इन द कंट्री विच विल बी प्रोवाइडिंग द कोऑपरेटिव ट्रेनिंग कोर्सेज इन द कॉलेजेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बना था एंड नाउ दिस मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इज हेडेड बाय विच मिनिस्टर, इसको भी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। देन द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू कोऑपरेटिव्स। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट बिल दैट इज द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021। इसके कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो लॉ है इट इज़ गोइंग टू लिंक द इलेक्टोरल रोल्स टू आधार। तो जो जिनका डुप्लीकेशन है या एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो रजिस्टर हुए हैं या एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में बार बार रजिस्टर हुए हैं उन सबका जो है आइडेंटिटी, तो एक आइडेंटिटी को रख के बाकी सबको डिलीट करने में बड़ी आसानी होगी। ओके सो आधार विल बी यूज टू एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी। यहाँ पे एक है कि नो एप्लीकेशन, यहाँ पे एक राइडर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एप्लीकेशन, ठीक है ना, इस बेसिस पे नहीं रिजेक्ट किया जाएगा कि उस पर्सन के पास आधार नहीं है, बट
दैट पर्सन हैज़ टू फर्निश द अदर इंफॉर्मेशन अबाउट दैम टू वैलिडेट देयर नेम्स इन द वोटर लिस्ट. ओके, द नेक्स्ट इज दैट द बिल अलाउज द ऑफिसर टू आस्क फॉर द नंबर फ्रॉम पर्सन ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल फॉर द पर्पज ऑफ ऑथेंटिकेशन. ओके, द नेक्स्ट इज दैट एक अमेंडमेंट लाया जाएगा सेक्शन 14 ऑफ द पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950. ये क्या अलाउ करेगा? दिस इज गोइंग टू अलाउ मल्टीपल डेट्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स. जैसे पहले क्या था कि जैसे कोई भी पर्सन 18 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, सो ही हैड ओनली वन डेट टू रजिस्टर एज द वोटर एंड दैट वॉज जनवरी 1. सो फॉर एग्जाम्पल कि कोई फेबररी में 18 ईयर्स का हो गया, then that person has to wait for 1 year or 10 or 11 month before registering as a voter on the next January 1. But अब ऐसा नहीं होगा, अब हमारे पास चार डेट्स होंगे, वो होगा जनवरी 1, अप्रैल 1, जुलाई 1 और अक्टूबर 1. तो अब क्या होगा कि people who are turning 18, they will have multiple dates to register as the voters. उसके बाद section 20 को amend किया जाएगा to make the प्रोविजन फॉर सर्विस वोटर्स जेंडर न्यूट्रल. तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो आर्मी की जो वाइफ होती हैं दे कैन रजिस्टर देमसेल्फ एज अ सर्विस वोटर्स. ओके, बट अगर आर्मी पर्सनल कोई वुमेन है तो उनके हस्बैंड दे कैन नॉट रजिस्टर देमसेल्फ एज अ सर्विस वोटर. तो यहाँ पे क्योंकि एक टर्म है ऐसा एक्ट में सेक्शन 20 में दैट इज कॉल्ड एज वाइफ, अब इस वाइफ को रिप्लेस कर दिया जाएगा न्यू वर्ड दैट इज स्पाउस. तो नाउ जो हस्बैंड है जिनकी वाइफ आर्मी में या आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करती हैं एंड हु हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ एज सर्विस वोटर्स, तो उनके हस्बैंड भी दे कैन ऑल्सो रजिस्टर एज द सर्विस वोटर. नाउ द नेक्स्ट इज अबाउट द गोवा लिबरेशन. सो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 1947, बट गोवा दमन एंड दीव दे गॉट लिबरेटेड फ्रॉम पोर्तुगल रूल इन 1961. ठीक है, दो एरिया थे, सिर्फ गोवा नहीं था, गोवा भी था और दमन एंड दीव भी था. गोवा में डॉक्टर टी बी कुन्ना ही लेड द मूवमेंट ऑफ लिबरेशन फ्रॉम गोवा. सो गोवा जो है इट वॉज अंडर द पोर्तुगल रूल. सो रेस्ट ऑफ द इंडिया वॉज इन ब्रिटिश रूल बट गोवा वॉज अंडर द पोर्तुगल रूल. ठीक है, और ये 400 साल पहले ही गोवा जो था वो पोर्तुगल रूल के अंदर आ गया था. ओके, सो यहाँ पे क्या था कि एक फ्रीडम फाइटर्स और वेटरन्स थे, दे लॉन्च्ड एन ऑपरेशन विजय एंड ऑपरेशन विजय इट वॉज अ मिलिट्री एक्शन इन 1961 बाई इंडिया टू लिबरेट गोवा दमन एंड दीव. द नेक्स्ट इज मोर्मुगाव, इट इज अ नेवी सेकेंड इंडिजिनियस स्टील डिस्ट्रॉयर ऑफ प्रोजेक्ट 15B. तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एक प्रोजेक्ट 15 है इंडियन नेवी का जिसमें दिल्ली क्लास के फ्रिगेट्स बने थे. देन प्रोजेक्ट 15A, उसमें कोलकाता क्लास के फ्रिगेट्स बने थे. फिर एक प्रोजेक्ट 15B है, उसमें विशाखापट्टनम क्लास के फ्रिगेट्स बनने हैं जिसमें से INS विशाखापट्टनम का इंडक्शन हो चुका है. इसमें तीन और शिप्स बनने हैं, उसमें से एक शिप का नाम है मोर्मुगाव जो सी ट्रायल्स में है. दो और शिप हैं, एक है इम्फाल INS इम्फाल. द नेक्स्ट इज INS प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स. The next is the breastfeeding program network of India in collaboration with Association of Healthcare Providers of India. Okay, they have launched an accreditation program which will enable hospitals to get a breastfeeding friendly tag. इस program को कहते हैं baby friendly hospital initiative only for private hospitals. Now, what is the importance of this? So, इसको हम next paragraph में देखें अगर. So, see. Early initiation of breastfeeding continues to be low in the India. अगर हम National Family Health Survey 5 that is 2019 to 2021 का डेटा देखें तो यहाँ पे 88.6% जो बर्थ हैं वो इंस्टीट्यूशनल बर्थ हैं, मतलब हॉस्पिटल्स में हुए हैं. बट 41.8% इन्फेंट्स हैं जिनको ब्रेस्ट फीडिंग मिली थी विद इन द फर्स्ट वन आवर. दिस फर्स्ट वन आवर इज कॉल्ड एज गोल्डन आवर. और इसकी जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत ही मार्जिनल है कि 41.6% से सिर्फ 41.8% ही हुआ है. उसके बाद कुछ मेजर स्टेट्स कुछ अगर हम देखेंगे लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड छत्तीसगढ़, यहाँ पे तो डिक्लाइन हो गया है. ठीक है ना,
पर ये जो मदर्स मिल्क होता है, जो फर्स्ट मिल्क होता है, इट इज़ वेरी रिच फॉर प्रोटेक्टिव फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज कि अराइजिंग दिस सी सेक्शन ऑपरेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज टू नेगेटिवली इम्पैक्ट दी ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स इन इंडिया। उसके बाद कुछ एविडेंस हैं वो सजेस्ट करते हैं कि अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग को इम्प्रूव करते हैं देन इट रिड्यूसेस द नियोनॉटल मॉर्टेलिटी एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इन इंडिया। देन देर इज वन BFHI प्रोग्राम, ओके, बेस्ट बेबी ब्रेस्ट फीडिंग हेल्थ इनिशिएटिव ऑफ WHO एंड यूनिसेफ। नाउ इंडिया अडॉप्टेड इन 1993, बट ये प्रोग्राम 1998 में थोड़ा सा कम हो गया। देन विच इज़ द फर्स्ट हेल्थ केयर, इट हैज़ बिकम द फर्स्ट हॉस्पिटल टू बी रिकॉग्नाइज एज ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली, देन दिस इज ब्लूम हेल्थ केयर इन चेन्नई। नाउ हांगकॉन्ग इलेक्टोरल लॉस, तो ये जो इशू है ये 1 साल से ज़्यादा ये चल रहा है और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आर्टिकल इसके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमको यहाँ पे पूरा एक रिवीजन मिल रहा है, दैट व्हाट इज़ हांगकॉन्ग इलेक्टोरल लॉज, ओके, एंड हाउ इट हैज़ लेड एंड हाउ इट हैज़ लेड द टाइटनिंग ऑफ चाइना ओवर हांगकॉन्ग। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, ये न्यूज़ हमने शनिवार को भी किया था, प्लीज़ वॉच माई वीडियो ऑफ दिस सैटरडे। यहाँ पे ये है कि हांगकॉन्ग का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके जो पहले सीट्स थे, अगर आप देखेंगे तो पहले 70 सीट्स थे, अब उस लेजिस्लेटिव काउंसिल के सीट को 70 से 90 कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो लैग को लिखा है दैट इज़ हांगकॉन्ग्स लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब हम इस लैक्को को अगर देखें ध्यान से तो लैक्को में अब टोटल है 90 सीट्स, 90 को हम अगर डिवाइड करें तो 20, 40 एंड 30, ये जो 20 है दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड, ये जो 40 है दे आर चोजन बाय अ 1200 मेंबर इलेक्शन कमिटी। ठीक है, और जो बाकी के 30 हैं दे आर द फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज विच रिप्रेजेंट रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक ट्रेड एंड अदर बॉडी एस्टेब्लिशमेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स इन हांगकॉन्ग। फाइन, नाउ जो एक मेजर चेंज आया है वो है सेटिंग अप ऑफ द कैंडिडेट एलिजिबिलिटी रिव्यू कमिटी। इनका काम क्या है, दे आर गोइंग टू स्क्रीन द पीपल हु आर रनिंग फॉर द ऑफिस एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ चाइना टू एंश्योर दैट ओनली दोज पीपल गेट इलेक्टेड, दोज हु आर द पैट्रियट्स और यू कैन से सपोर्टर ऑफ चाइना। ठीक है, चाइना इसके हांगकॉन्ग इसके पहले वॉज द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना, उसके पहले इट वॉज द प्रोटेक्टोरेट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द SAR वॉज गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम 1997 टू 2047। द नेक्स्ट इज द चाइना टेनिस स्टार्स डिनाइज मेकिंग असॉल्ट चार्जेस। तो ये हमने न्यूज़ पहले भी किया था, इसमें हमने किया था कि जो चाइना के जो टेनिस स्टार हैं जो डबल टेनिस में खेलती हैं दैट इज़ पेंग शुआई, पहले उन्होंने एलिगेशन लगाया था अगेंस्ट द वाइस प्रीमियर ऑफ चाइना झांग गाओली फॉर सेक्सुअली असॉल्टिंग हर इन द पास्ट। उसके बाद ये डिसअपियर हो गई, फिर अब इन्होंने कहा है कि दैट शी हैड नेवर एक्यूज एनी वन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड जो उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट किया था, ओके, इट वॉज मिसअंडरस्टूड। स्पोर्ट्स से एक जो इम्पॉर्टेंट है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप, यहाँ पे के श्रीकांत को सिल्वर मेडल मिला है एंड ही लॉस्ट टू लो कियान यू ऑफ सिंगापुर इन मैन सिंगल समिट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पेगासस के साथ कंटिन्यू करेंगे। सो बैकग्राउंड हमको पहले से पता है कि वेस्ट बंगाल का जो कमिटी था, इंक्वायरी कमीशन था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए उसके ऊपर स्टे लगा दिया है, ओके, एंड जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमिटी एस्टेब्लिश किया है नाउ इट इज़ फंक्शनिंग। बट अगर हम देखेंगे तो इट वॉज द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट विच वॉज वेरी स्विफ्ट इन एस्टेब्लिशिंग अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट दिस एलिगेशन ऑफ सर्वेलेंस विच वे टारगेटेड टू डिफरेंट पर्सन्स। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ओवर हियर द पैराग्राफ इज डिस्कसिंग अबाउट रोना विल्सन्स मोबाइल फोन
ओके विच वॉज टारगेटेड बाई पेगासस। अभी पेगासस डेंजरस क्यों है? पेगासस डेंजरस ये है बिकॉज देर इज अ मैकेनिज्म ऑफ पेगासस विच इज कॉल्ड एज जीरो क्लिक। जीरो क्लिक का मतलब होता है कि विदाउट द विदाउट इन्फॉर्मिंग, मतलब कि यूज़र को पता भी नहीं चलेगा और एक व्हाट्सएप पे एक मिस कॉल आएगा, दैट विल बी इनफ टू इंस्टॉल द पेगासस सॉफ्टवेयर ऑन द सिस्टम। सेकेंड जो डेंजर चीज़ है पेगासस के बारे में कि ये सिर्फ एग्जिस्टिंग फाइल का इन्फॉर्मेशन नहीं पास करता था, अगर कोई फाइल डिलीट भी कर दी जा चुकी है तो भी ये पास हो सकता है। बाद में यहाँ पे रोना विल्सन की एक बात हो रही है जिनको कोरे भीमागांव केस में उनको जुलाई 2018 में अरेस्ट किया गया था। यहाँ पे एक आर्सेनल कंसल्टिंग है, उसने पहले भी कहा है कि विल्सन फोन वॉज अटैक्ड एज मैनी एज 49 टाइम्स एंड इट वॉज सक्सेसफुली इन्फेक्टेड बाई द टाइम दैट पर्सन वॉज अरेस्टेड। उसके बाद इसके पहले नेट वायर विच इज़ अ रिमोट एक्सेस ट्रोजन, इसको यूज़ किया गया था टू प्लांट लेटर्स ऑन मिस्टर विल्सन्स कंप्यूटर। द नेक्स्ट इज अबाउट एज एंड मैरिज। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव टू रेज द एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन फ्रॉम 18 टू 21 ईयर। इसके बाद क्या होगा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज आएगा, दैट इज दैट वेरियस पर्सनल एंड फेथ बेस्ड लॉज विच गवर्न मैरिजेस इन इंडिया सच एज द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एंड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, दे ऑल विल बी अमेंडेड। और यहाँ पे एक पैनल था दैट वॉज हेडेड बाई फॉर्मर समता पार्टी चीफ जया जेटली विच वॉज सेटअप इन जून लास्ट ईयर विच हैड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन डिसम्बर 2020 एंड वन ऑफ द रिकमेंडेशन वॉज टू एज रेज द एज ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल्स फ्रॉम 18 to 21। अब जब नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं तो इसमें यह बताया गया है कि जो मेन प्रॉब्लम है इंडिया में वुमेन के अर्ली मैरिज को लेकर, दैट इज अबाउट द पेट्रियार्कल माइंड सेट। जब तक अगर हम ये पेट्रियार्कल माइंड सेट को चेंज नहीं करते तब तक ऑन द ग्राउंड वुमेन के लिए कुछ चेंज नहीं होने वाला, इनफैक्ट द लॉ विल बी यूज अगेंस्ट द वुमेन इट्सेल्फ। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है दैट इज़ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इसके पास हो जाने के बाद भी अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का अगर डेटा देखें तो इंडिया में 23.3% ऑफ द वुमेन हु आर करेंटली इन द एज ऑफ 20 to 24 ईयर्स दे गॉट मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18। सेकेंड थिंग क्या है कि वी हैव टू वर्क ऑन एजुकेटिंग एंड क्रिएटिंग द अवेयरनेस इन द सोसाइटी टू मेक द एनवायरमेंट हेल्दी फॉर द वुमेन। क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जो चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 ने जिसने जो 18 ईयर्स जो फिक्स किया है मैरिजेबल एज, कभी कभी इसको यूज़ किया जाता है बाई द पेरेंट्स अगेंस्ट देयर डॉटर फॉर फाइलिंग द केसेस ऑफ इलोप और किडनेपिंग, ओके टू इवेट द फोर्स्ड मैरिजेस और डोमेस्टिक एब्यूज, ओके and because of lack of educational facilities. So over here the article is focusing that there should be a focus on creating social awareness about women's sexual and reproductive health and rights and ensuring that girls are not forced to drop out of school or college. So last line jo bahut important hai ki sometimes laws cannot be a shortcut in the path of social reform. The next is about the Iran nuclear talks. So ye bahut important hai, ईरान न्यूक्लियर टॉक को हम एक और नाम से जानते हैं, ईरान न्यूक्लियर डील को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कॉल्ड एज जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। सो व्हेन बराक ओबामा वाज़ द प्राइम मिनिस्टर वाज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, सो P5+1 मतलब परमानेंट फाइव मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दोज आर यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, फ्रांस, देन चाइना एंड रशिया, प्लस वन मतलब जर्मनी। दे एंटर्ड इंटू एन एग्रीमेंट विद द ईरान टू स्लो डाउन इट्स यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। बट बाद में क्या हुआ कि वैन डोनाल्ड ट्रंप ही बिकेम द प्रेसिडेंट, सो ही विदड्रू फ्रॉम द डील इन मे 2018 एंड ही री इम्पोज्ड इकोनॉमिक सेंक्शंस। जैसे ही इम्पोज्ड द इकोनॉमिक सेंक्शंस, द ईरानियन दे स्टार्टेड using advanced centrifuges to pursue 20% uranium enrichment at the underground Fordo facility. Now, other European countries, they and China, they supported the JACOBA, that is Joint Comprehensive Plan of Action,
टू रिवाइव द डील विद ईरान। अब ईरान का स्टैंड ये है कि ईरान कहता है कि दैट देयर शैल बी सम टाइप ऑफ गारंटी प्रोवाइडेड टू इट दैट द फ्यूचर प्रेसिडेंट्स ऑफ यूएसए विल नॉट विदड्रॉ फ्रॉम द डील। सेकेंड, कि जो ये सेंक्शन इम्पोज किया गया था ईरान के ऊपर वो उसको पूरा वापस कर लिया जाए तभी ईरान डील करने के लिए तैयार होगा। बट यूएसए ऑन द कॉन्ट्रेरी, यूएसए का स्टैंड थोड़ा सा डिफरेंट है ईरान के साथ। वो कहता है कि पहले ईरान को अपने सारे न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ बंद करने होंगे, सारे अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को IAEA दैट इज़ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेफगार्ड में रखना होगा, तभी आगे बात हो सकती है। ओके, सो दैट इज़ द कंटेंशन। फिर बीच में एक इसराइल का क्वेश्चन है। सो इसराइल जो है वो कंटिन्यूज टू सी द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एज द एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। अब अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट की जो पूरी जियो पॉलिटिक्स है वो पूरी बदल सकती है। एंड इसराइल थिंक दैट इट विल बी इन मोर डेंजर, सो दैट्स वाई इसराइल इज अगेंस्ट दिस डील। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। सो प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड वॉट इज़ द मोटो ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। द नेक्स्ट इज कैन इंडिया बिकम अ टेक्नोलॉजी लीडर। तो यहाँ पे ये है कि जैसे कि यहाँ पे तीन कंपेरिजन दिए हुए हैं तीन कंट्रीज के, US, China एंड देन इंडिया। तो यहाँ पे अगर हम US, China, इंडिया में अगर हम US और China का जो कंपेयर करें तो यहाँ पे द ऑथर इज सेइंग कि US और China में बोथ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा है टू मेक देयर इकोनॉमी द डोमिनेटिंग इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे दैट्स वाई द ऑथर इज सजेस्टिंग कि आज का अगर हम इंडिया देखेंगे तो द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द इंडियन इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द इंडियन इंडस्ट्री बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल द एडवांटेज ऑफ इंडिया इज डेमोग्राफी डिमांड एंड डेमोक्रेसी। तो इसको कंबाइन करके इंडिया कैन बिकम अ टेक्नोलॉजी लीडर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट टुमारो अगेन विद द डेली हिंदू एनालिसिस। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड प्लीज़ फॉलो द COVID-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर बिकॉज ऑफ द राइजिंग केसेस इन दिल्ली एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। वी विल मीट टुमारो अगेन, सी यू सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू।